से बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर निशाना, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना। तो तेजस्वी यादव ने आम जनता से अपील की है, अपने क्षेत्र के मुद्दों की बात करिए, 10 सालों में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ, चुनाव प्रचार के लिए आने वाले जनप्रतिनिधियों से आप सवाल पूछिए। तो तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बोलते हैं देश का चुनाव है, अरे भाई ये बताओ देश गाँव जिला और प्रदेश से ही ना बनता है। जब तक हमारा गांव, जिला, क्षेत्र और प्रदेश ही खुशहाल, समृद्ध और विकसित नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने क्षेत्र के मुद्दों की बात करिए, 10 वर्षों में आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर मंथन करिए। आपस में प्रेम सौहार्द बनाए रखने से ही देश प्रदेश आगे बढ़ेगा। बोलते हैं देश का चुनाव है और आपके क्षेत्र में 10 वर्षों में क्या हुआ है, ऐसा लिखा है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि जब आप के क्षेत्र में जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनसे सवाल करिए, मुद्दों की बात करिए और आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर मंथन करिए, ऐसा कहा है तेजस्वी ने। बोलते हैं देश का चुनाव है, हम बताना चाहते हैं जब तक गांव का, आपके गांव का विकास नहीं होगा, जब तक आपके प्रखंड का विकास नहीं होगा, जब तक आपके जिले का विकास नहीं होगा, जब तक आपके प्रदेश का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी बातों को हमने आपके समक्ष रखा है और आप लोग सोच विचार करके वोट देने का काम कीजिएगा। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ अफवाह फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, इनका केवल एक ही एजेंडा है कि बिना काम किए हुए समाज को बांटो, लड़ाओ, नफरत पैदा करो ताकि उनका काम निकल जाए। लेकिन आप सब लोग, बिहार के लोगों से अपील है, आप सब होशियार लोग हो, सामाजिक राजनीतिक तौर पर आप लोग काफ़ी मजबूत हैं, इनके छलावे में नहीं आना है।